किसान भाइयों, अगर आपने हवा का प्रेशर सही नहीं रखा तो देखिए ट्रैक्टर कितना स्लिप मारता है। एप्लीमेंट के हिसाब से समय और डीजल बचाने के लिए हवा का भी ध्यान रखें कि हवा कितनी रखनी चाहिए कौन से एप्लीमेंट में। हैवी उपकरण है तो हवा का भी खास करके ध्यान रखना ताकि ट्रैक्टर डीजल भी बचाए और समय भी। स्वराज 735 FE 13 के टायर में प्लाउ परफॉर्मेंस बहुत ही हार्ड मिट्टी है यहाँ पे। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर चल रहा है अभी वो ओनली फॉर हवा के साथ में, जो कि रेगुलर हवा रहती है उसके साथ में चल रहा है। जबकि अगर हैवी एप्लीमेंट चलाने हैं तो ट्रैक्टर के टायर में या तो पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है या हवा जो है वो बहुत ही कम करनी पड़ती हैवी एप्लीमेंट के साथ में, तभी वो सही चल पाता है। बाकी ये जो देख सकते हैं आप कितना स्लिप मार रहा है, वो इसलिए कि ये जो है वो दूसरे उपकरण में जितनी हवा होती है उसी हिसाब से प्लाउ में भी चल रहा है, इस वजह से ये स्लिप मार रहा है। और अगर आपको सिर्फ हैवी एप्लीमेंट के साथ में चलाना है तो ट्रैक्टर के टायर में या तो पानी का इस्तेमाल करें या फिर हवा का प्रेशर भी कम रख सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो पानी इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बेहतर रहता है, ट्रैक्टर के अंदर वजन बढ़ जाता है। दोस्तों स्वराज 735 FE का अभी एवरेज निकालना बाकी है जो कि कल्टीवेटर वगैरह में, और वो मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊँगा इसका एवरेज क्या तेल लेता है प्लाऊ के अंदर और क्या तेल लेता है कल्टीवेटर के अंदर। बाकी अभी आप देख सकते हैं प्लाऊ में कैसा चल रहा है, ये हार्ड जमीन है, बहुत ही हार्ड मिट्टी वाली जमीन है यहाँ पे। जो कि मैं बहुत ही जल्द आपको इसका एवरेज दिखाऊंगा 735 का, वैसे कई सारे भाइयों की डिमांड है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।